आज मैं बना रही हूँ आलू और मटर वाले चावल जो थोड़े से स्पाइसी होंगे। ये मैंने उसके लिए एक बड़ा प्याज लिया है और ये बड़े दो चम्मच डेढ़ चम्मच मसाला भी कर दिया है। और मसालों में डालेंगे दो चम्मच नमक, एक चम्मच सूखी मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, एक चम्मच सूखा धनिया और थोड़ा सा दो चुटकी गरम मसाला। ये दो बड़े टमाटर हैं और ये चार से पांच हरी मिर्च और ये है जी साबुत गरम मसाला, जीरा, लौंग, काली मिर्च, ये तमाम स्पाइसेस जो होते हैं वो दालचीनी और ये हैं जी तकरीबन डेढ़ पाव आलू होंगे और आधा किलो से ज़्यादा आधा किलो मटर है और ये एक चम्मच भर के हम डाल रहे हैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। और ये अब हम इसमें सारा गरम मसाला जो मैंने आपको दिखाया था वो इसमें डाल दिया गया है तो थोड़ा सा इसको भूनेंगे। अब ये चम्मच मैं रख दूँगी और ये दूसरा चम्मच जो चावल बनाने वाली है उसे हम खीर जिसे कहते हैं उसको यूज करेंगे। ये मैं हो गए, अब हम इसमें आलू और मटर डाल के थोड़ा सा भूनेंगे। सब्जी डाल के भूनने से ये होता है कि सब्जी बहुत जल्दी गल जाती है, इसके लिए इतना टाइम नहीं लगता और मटर भी अच्छे से फ्राई हो जाते हैं और आलू भी। आप सोच रहे होंगे कि मैंने बाकी का मसाला जात नहीं डाले, वो मैं बाद में डालूंगी, वो मैं बाद में आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप डालूंगी। अब हम ये तमाम जो मसाले मैंने किए थे वो मैं सारे इसके अंदर डाल दूँगी। अभी तक मैंने इसमें पानी नहीं डाला, आपने देख लिया होगा कि मैंने अभी तक पानी का यूज़ नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि अभी मैं सारे मसाले डाल के भून रही हूँ ताकि ये अच्छे से बन जाए, ये इसकी खुशबू मसालों की जो थी हैं वो सारे उसमें आ जाए। मटर और हरी मिर्च भी मैंने डाल दी। बाकी तो चावल अभी मैंने मिर्चें कम डाली हैं क्योंकि हमने तो ये सालन वगैरह के साथ यूज़ करना है चावल। अगर आप लोगों ने सिर्फ मटर और आलू वाले चावल बनाने हैं तो आप थोड़ी सी मिर्च उसमें आधी चम्मच चावलों के हिसाब से फिर आप ये चीज़ें सारी डबल भी कर सकते हैं। मैंने इसमें चावलों के हिसाब से यानी तकरीबन मैंने दो ग्लास चावल लिए थे ये बड़े वाले मैंने दो ग्लास चावल लिए हैं बड़े वाले, तो अब इसमें मैंने ये चार ग्लास पानी का डाल दिए ताकि जौन सा है इसमें मटर सब्जी वगैरह भी गल जाए और चावल भी मारे। मैं एंड पे मैं देखूंगी अगर चावल पानी कम हुआ तो फिर मैं उसमें थोड़े सा पानी और ऐड कर लूँ। ये देखें जी आलू तकरीबन गल गए हुए हैं तो अब मैं इसमें चावल वगैरह ऐड करूँगी। हाँ जी अब मैंने चावल तो डाल दिए हैं मगर मुझे ये थोड़ा पानी कम लग रहा है और नमक भी कम लग रहा है इसलिए मैं एक चम्मच नमक की और डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। मेरे ये पुराने चावल हैं, ये नए और पुराने चावलों में पानी जो है वो नए चावल में पानी कम डलता है और जो पुराने होते हैं उनमें ज़्यादा डलता है। जो तो मेरी भाई बहन हैं बेटियाँ हैं जो पकाना जानती हैं उनको तो पता है, जो नई बच्चियाँ हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। ये देखें ये एक गिलास तकरीबन मैंने पानी का और डाल दिया है। ये देखें ये पानी में बॉईल कर रहा है, ये आपको नज़र आ रही होंगे जगह जगह के ऊपर ये
बुलबुले से बन रहे हैं, इसका मतलब है कि पानी बिल्कुल बराबर का दम के लिए, ये हमारा हमने ये दम वगैरह के लिए तवा रखा हुआ है ताकि बाकी दूसरी तवे ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हम एक हमने ये इसका एक तवा जो उनका एक्सपायरी रखा हुआ है। ये हमें मैं हमेशा ऐसे ही दम देती हूँ सूखे कपड़े के साथ। मैंने दम दिया है इसको रुमाल को अच्छी तरह से रुमाल को लपेट दिया है ताकि हवा बाहर ना आए, और ये मैं तकरीबन 10 मिनट के बाद इसको खोलूँगी। हाँ जी, ये देखें जी, ये चावल मेरे हो गए हैं, एक एक चावल दाना अलग अलग नज़र आ रहा होगा। देखने धुएं की वजह से नज़र नहीं आ रहे हैं। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।